मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने टी टॉक्स सेशन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें इंटरनेशनल कराटे एथलीट सुप्रिया जाटव ने छात्रों को सेल्फ डिफेंस के टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने सभी से अपने अनुभव शेयर किए और कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपनी काबिलियत को पहचानें और उस पर कड़ी मेहनत करें, सफलता आपको खुद मिल जाएगी। मानसरोवर डेंटल कॉलेज में टी टॉक सेशन 2 के आयोजन पर इंटरनेशनल कराटे एथलीट सुप्रिया जाटव ने विद्यार्थियों को सेल्फ डिफेंस के टिप्स दिए। सुप्रिया एकमात्र इंटरनेशनल कराटे गोल्ड मेडल विजेता महिला हैं। इन्होंने यूएसए चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के साथ देश का नाम रोशन किया। सुप्रिया को विक्रम अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान सुप्रिया ने बताया कि वह जब 6 साल की थी तब से उन्हें कराटे में इंटरेस्ट था। उनको हमेशा माता पिता का सहयोग मिला। सफलता को लेकर उन्होंने कहा कि वे हमेशा छोटे टारगेट सेट करती थी, उसी पर फोकस करती थी। सफलता मेहनत और सच्ची लगन से मिलती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, हमेशा खुश रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मानसरोवर ग्रुप के इस आयोजन की प्रशंसा की। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। करते हैं आप मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पर आप ये बताइए कि हम ऑनलुकर से, हम फैंस से जो कि कराटे देखना चाहते हैं, आपको परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं और भी दूसरे स्पोर्ट्स को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और ऐसी क्या कमी हम छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि क्रिकेट वहाँ है और कराटे और दूसरे गेम्स यहाँ पे? क्या जवाब देना भी मेरे लिए बहुत ओके। सो पर्सन टू पर्सन हर एक चीज की कमी है, जैसे आपने मुझे बोला मिनिस्ट्री से तो हम फिर भी बोलते हैं आज हमारे यहाँ एशियन गेम्स हो रहे हैं, सैफ गेम्स हो रहे हैं, हम लोग गेम्स में जाते हैं, हम लोग को अच्छा स्कॉलरशिप मिलता है, स्पॉन्सरशिप मिलता है, फेम भी मिल रहा है, हर एक चीज मिल रहा है। रही बात एक पर्टिकुलर एक ना आज जो आपने कहा कि आम पर्सन की हम क्या कर सकते हैं, मैं इतना ही बोलूँगी अगर कराटे की बात की जाए तो जो डर है कराटे को लेकर, डर है मार्शल आर्ट को लेकर डर है, वो डरा ना जाए, सब लोग आए परफॉर्म करें। अगर आप मान लीजिए टेबल टेनिस सीखते हैं, आप स्क्वैश सीख रहे हैं, आप जो भी दूसरा गेम सीख रहे हैं, मुझे इतना पता है कि आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बैठ के यहाँ बात कर रही हूँ, आज इतनी कॉन्फिडेंस से मैं चल सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता सर, सच में मैं रात में भी निकल जाऊँगा तो मुझे डर नहीं लगता। वो कॉन्फिडेंस सच में कराटे आपको देगा। अगर बहुत सारी गर्ल्स हैं जिसको ऐसा लगता है कि उन्हें इस कॉन्फिडेंस की जरूरत है, प्लीज़ लर्न कराटे, नॉट ओनली कराटे, एनी मार्शल आर्ट, जो भी आपका एक मार्शल आर्ट सेगमेंट आपको मिले आप सीखें, आप चेस सीखे, आप कैरम सीखे, बट जो वो चीज़ सीखे जो आपको यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, जो आपको यहाँ पे दे रहा है कि नहीं यार मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, यू अंडरस्टैंड, तो आप ऐसी सारी चीज़ें सीखें जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती है। और रही बात के एक नॉर्मल पर्सन की कि मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आए परफॉर्म करें, अचीव करें। जो भी एक प्लेयर है जब वो आता है वो थोड़ा सा सीखता है फिर डाउन हो जाता है। जैसे क्रिकेट की बात हो रही थी, क्रिकेट में हर कोई धोनी नहीं है, हर कोई कोहली नहीं है, आने वाले टाइम में आई डोंट नो कौन क्या बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोहली आज हो गया, धोनी आज हो गया, आने वाले 5-10 साल में मुझे नहीं लगता दूसरा धोनी और कोहली बनने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इनका अपना जोश था, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ एक वैसी फैमिली से थे, एक वैसे बैकग्राउंड से थे कि उन्होंने देखी है सर मुसीबतें क्या होती है, मैंने देखी मुसीबतें क्या होती है। तो अगर किसी ने वो चीज़ देखा है ना तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा अचीव करेगा। मैं नहीं चाहती कराटे में ही ओलंपिक मेडल है, मैं चाहती हूँ एनी स्पोर्ट्स बट ओलंपिक मेडल है, दैट्स इट। परसिवियरेंस होना बहुत जरूरी है, तो आप इतना परसिवियरेंस कैसे रखते हैं, आप इतने कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं? तो क्या हुआ, जब मैं MP आई और मैंने सीनियर खेला स्टार्ट किया तो देर वॉज 50, 61, 68 + 68, 55 खाली था, तो मुझे ऐसे गिफ्ट दे दिया, लो आओ और 55 खेल लो। मैंने कहा ठीक है खेलने मिल रहा है, बाद में पता चला कि वो कैटेगरी इतनी टफ है कि कोई भी एक प्लेयर कंटिन्यूस कैटेगरी में चैंपियन नहीं हो पाया, इसलिए वो कैटेगरी खाली थी, तो मुझे दे दिया। और मैं जब फर्स्ट टाइम सीनियर मैंने खेलना स्टार्ट किया उस कैटेगरी में, तो मैं सेकंड रनर अप थी, मतलब मेरा सिल्वर मेडल था। तब मुझे बोला कि इस कैटेगरी को छोड़ दो, तो मैंने कहा नहीं करना, दूसरी कैटेगरी में करेंगे। तो मेरा फर्स्ट बोल्ड आया तो लोगों ने मुझे कहा कि तुक्के से आया, मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन लोगों ने मुझसे कहा, मुझे अप्रिशिएट करने की जगह कि तुक्के से आ गया। उस दिन मैंने डिसाइड किया कंटिन्यू लाऊंगी तब तो बोलेंगे, तो आज कम से कम 11 साल हो गए मैं वो कैटेगरी में कंटिन्यू में वो टाइटल ले रही हूँ। हेलो नमस्ते, जय हिंद, दिस इज सुप्रिया जाटव, एन इंटरनेशनल कराटे प्लेयर, आई एम इंडियाज़ फर्स्ट US ओपन गोल्ड मेडलिस्ट एंड 2 times कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट। सो आज मैं यहाँ मानसरोवर यूनिवर्सिटी में आई थी, एक टी टॉक शो था जो कि बहुत बहुत अमेजिंग लगा मुझे यहाँ आकर, और बहुत अच्छा रहा, यहाँ के स्टूडेंट्स फैकल्टी सब लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे बूस्टअप किया, चेयरअप किया, मेरे साथ बात की, क्वेश्चन आंसर करके, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। मैं बिल्कुल आज का
माहौल नहीं कभी भी एक लड़की को, यह हमेशा कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण, मुझे ऐसा लगता है कि एक नारी अपने आप में एक शक्ति है, उसे किसी सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। तो सशक्तिकरण को, शक्ति को बरकरार रखने के लिए डेफिनेटली आपको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। तो आपको कराटे या फिर कोई भी स्पोर्ट्स, नॉट जस्ट कराटे, कोई भी स्पोर्ट्स आपको करना चाहिए। इस दौरान मानसरोवर ग्रुप के सीईडी और प्रो चांसलर गौरव तिवारी ने कहा कि एक खिलाड़ी कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ता है, समाज और संस्थान को प्रयास करना चाहिए कि वे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। इस मौके पर प्रो वाइस चांसलर कर्नल एचआर रुहिल ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, खेल से शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक विकास भी होता है। सुप्रिया जाटव जी, ये पहली इंटरनेशनल चैंपियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यूएसए ओपन कराटे चैंपियनशिप का, एंड पहली इंडियन वुमेन है जिसने कि ये अचीवमेंट किया है। सो ज़रूरी बात है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो सबको बहुत उत्साहित करेगा, बहुत प्रोत्साहन देगा। अब जैसे उनकी दो तीन चीज़ें थी, सबसे पहले कि ज़रूरी नहीं आप कराटे में ही चैंपियन बनो, आप किसी भी गेम में जो आपको अच्छा लगता है वो देखिए, वो खेलिए, और जो आपको दिल को अच्छा लगता है वो कीजिए। इससे आपकी सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, कॉन्फिडेंस आप में आएगा, तो आप पढ़ाई में भी अच्छा करोगे, आप ज़िंदगी में अच्छा करोगे। ये उनका, उनकी सोच है और उनका सबसे अच्छा औरों के लिए शिक्षा है। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है, नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो Really? Daddy बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी, है मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।